एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप NIOS के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके एग्जाम अप्रैल 24 में होने वाले हैं, अक्टूबर 24 में होने वाले हैं, या फिर आप ऑन डिमांड का एग्जाम देने की सोच रहे हैं, आप इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपने एडमिशन करा लिया, कहीं से भी आपने एडमिशन करा लिया, हमारे थ्रू कराया या कहीं से भी कराया, मेन होता है कि एग्जाम की प्रिपरेशन करना। अगर वो अच्छे से ना हो पाए तो ऐसे में क्या होता है कि वो आपके परसेंटेज, वो आप मार्क्स नहीं आ पाते जिसकी आप एक्सपेक्टेशन करते हैं। इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि आप किस तरीके से NIOS के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर बात करें आपके अप्रैल और अक्टूबर वाले स्टूडेंट के बारे में जो 24 में एग्जाम देंगे, तो इनका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं हम ऑन डिमांड के स्टूडेंट की बात करें तो इनका अभी क्लियर नहीं कि किस तरीके का एग्जाम का पैटर्न होगा। NIOS में क्या होता है कि हर स्टेट से बच्चा एडमिशन कराता है, और हर स्टेट में हर जगह पे आपको कई बार तो होता है कि बुक्स भी नहीं मिल पाती बच्चे को, ट्यूशन तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। ऐसे में बच्चे की एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं हो पाती, तो बच्चों ने बहुत ज्यादा डिमांड की थी। बच्चों की डिमांड पर यहाँ पर हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो हमारे अब ऐप पे आ चुका है, आप उसको ले सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाके आप हमारे ऐप कोर्स और क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा। बहुत अच्छे से आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि अब NIOS का जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन हमने लर्न कर लिए, प्रीवियस ईयर के कुछ रिपीटेड क्वेश्चन को हमने लर्न कर लिया, काम चल जाएगा। नहीं, जब आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपने अगर उस चीज को, उस टॉपिक को पढ़ा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो आपके लिए वो चीज समझना, उस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। तो आपने जो डिमांड की थी, जिन सब्जेक्ट की ज्यादा डिमांड थी, उन सभी सब्जेक्ट का कोर्स आ चुका है। आपके कौन से सब्जेक्ट है जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको कोई टीचर नहीं मिल पा रहा पढ़ाने के लिए। उसमें क्या होता है, 11th क्लास और 12th क्लास का मिक्स सिलेबस होता है, जिसमें CBSE के टीचर्स क्या करते हैं, जो बाकी के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो वो उनके अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं, ठीक है। लाइक आपका 11th का है तो 11th के बैच में आपको जाना पड़ेगा, फिर 12th का तो 12th के बैच में जाना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर वे में पढ़ नहीं पाते, मतलब बच्चों को स्पेशली ऐसा कोई ट्यूशन नहीं मिल पाता जहां पर उनको NIOS के टॉपिक्स को क्लियर करा जाए, उनको वही चीजें पढ़ाई जाए जो उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन सब चीजों का ध्यान देते हुए हमारा ये कोर्स है, इसको लॉन्च कर दिया है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, और ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट के जो भी डाउट हैं, जिस भी सब्जेक्ट की आपकी ज्यादा डिमांड है, एक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं, उस सब्जेक्ट की आपकी प्रिपरेशन करा दी जाएगी। यहाँ पर सब्जेक्ट के आपके जो लेक्चर्स हैं वो अभी जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे, और साथ ही साथ अगर आपके कोई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पर नहीं है और आप चाहते हैं कि वो सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पर ऐप पे आपको मिल जाएगा एक चैट का ऑप्शन, वहां पर जाके भी आप अपने डाउट लिख सकते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि आप अगर देखना चाहते हैं कि टीचर्स किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे, तो डेमो वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। डेमो वीडियो आप इसे डाउनलोड करिए और जाके डेमो वीडियो देख लीजिए, अगर आपको उनसे समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, आपकी काफी डिमांड थी तो इसलिए हमने हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसको लॉन्च कर दिया है। अगर आपके और कोई सब्जेक्ट है जिस पर आप चाहते हैं लेक्चर वीडियोज अपलोड कराना, तो आप हमें बता सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपके ऐप में भी आपको चैटबॉक्स का ऑप्शन दिया है, वहां पर आप अपने जो क्वेरी है वो वहां पर जाके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।